इनडायरेक्ट स्पीच के वाक्य डायलॉग वाले हम कर रहे थे, जिसमें दो वाक्य दिए हुए हो और हमें उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। इन दो वाक्यों को कैसे करेंगे इसका विशेष ध्यान रखें। एक जना कहने वाला होगा, दूसरा जवाब देने वाला होगा, रिप्लाई करने वाला होगा, विशेष ध्यान रखें। ठीक है, जैसे टीचर ने कहा डू नॉट प्ले इन द क्लास, कक्षा में मत खेलो। ठीक है, टीचर ने कहा डू नॉट प्ले इन द क्लास। अब इसमें आपको वही पहचान करनी है कि फुल स्टॉप है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, वाक्य किससे शुरू हो रहा है, डू नॉट से। तो नियम तो वही लागू होता है, अगर आपने वहाँ याद किया था कि वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो दो तरह से बनता है, या तो फॉरबेड लगा दो या एडवाइज्ड है, ऑर्डर्ड है, ये लगा दो। याद आ गया, डू नॉट से जो वाक्य शुरू हो दो तरह से बनेंगे, या तो फॉरबेड लगाकर या एडवाइज ऑर्डर्ड आस्क्ड ये लगाकर वाक्य को बनाना। कब? जब डू नॉट से शुरू होता हो, प्रश्नवाचक चिन्ह ना हो। टीचर यहाँ मना कर रहा है कि कक्षा में मत खेलो बच्चों को, ठीक है ना। टीचर किसको कह रहा है? स्टूडेंट को कह रहा है, स्टूडेंट को कह रहा है, स्टूडेंट्स कर देते हैं, टीचर स्टूडेंट्स को कह रहा है। तो हम जब वाक्य लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द टीचर फॉरबेड से बनाते हैं, तो यहाँ लिख दिया फॉरबेड, द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स। देखो वही चीज है, वहाँ पर कैसे आता था वाक्य पहले, वहाँ लिखा होता टीचर आस्क, इस तरह आता, देखो वहाँ इस तरह आता टीचर आस्क टोल्ड सेड टू स्टूडेंट, ऐसे लिखा हुआ था, फिर आता डू नॉट प्ले इन द क्लास, वहाँ यही करते द टीचर फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, यही तो करते। यहाँ पर भी हमने यही तो किया है, हमने क्या किया, दो नाम हो गए टीचर और स्टूडेंट, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट, सेट टू के स्थान पर फॉरवर्ड लगा दिया था हम, आस्क या टोल लगाते थे, क्योंकि जब मना करे फुल स्टॉप हो, डू नॉट से हो, वहाँ फॉरवर्ड लगाना है, याद करना है, और डू नॉट को हटा देना है, और एक चीज़ लगानी है वो है टू, टू से वाक्य को जोड़ देना, टू। फिर क्या है, प्ले इन द क्लास, सरल ही है, द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स डू नॉट हटा दिया, ये डू नॉट हट गया, नियम में अपने नियम देख लेना, डू नॉट हट गया, क्या लग गया, टू लग गया, प्ले का प्ले, इन का इन, द का द, और क्लास का क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, जब डू नॉट आए फुल स्टॉप हो तो वहाँ पर सेड के स्थान पर फॉरबेड लगाना है, तो जब वाक्य शुरू करोगे यहाँ से, द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स, फॉरबेड लिख दिया, डू नॉट को हटाकर क्या जोड़ दिया, टू जोड़ दिया। अब नीचे जवाब कौन दे रहा है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कह रहे क्या हैं, ओके सर, क्या कह रहे हैं, ओके सर, लिखा हुआ ओके लिखा हुआ एक तो, और फिर लिखा हुआ सर, सर और मैडम के लिए कल हमने क्या लगाया था, सर और मैडम के लिए हमने लिखाया था रेस्पेक्टफुली, तो यहाँ पर लिख देंगे द स्टूडेंट्स रेस्पेक्टफुली। देखो सर के लिए एक मीनिंग आ गया, द स्टूडेंट तो लिखना ही है अपने को, रेस्पेक्टफुली रिप्लाइड, मैडम और सर आने से ये फर्क पड़ गया, रेस्पेक्टफुली लिखना है। इन ओके आए तो एफिर्मेशन लिखते हैं, स्पेलिंग याद कर लो इसकी, ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई ओ एन, ओके आए तो ये मीनिंग लिखना है एफिर्मेशन। तो द स्टूडेंट सर के लिए आ गया रेस्पेक्टफुली रिप्लाइड इन एफिर्मेशन, ये स्पेलिंग याद कर लेना, ओके आए तो ये स्पेलिंग लगानी है। ये एक वाक्य हो गया पूरा, यानी ये दोनों वाक्यों को हमने डायरेक्ट से किस में बदल दिया, इनडायरेक्ट में, जिसमें पहले फुल स्टॉप था, डू नॉट से शुरू हो रहा था, फॉरबेड लगा दिया, टू लगाकर वाक्य को जोड़ दिया, और डू नॉट को क्या कर दिया, हटा दिया। दूसरे वाक्य में स्टूडेंट जवाब दे रहा है तो सर आया, इसलिए रेस्पेक्टफुली आएगा, फिर रिप्लाइड आएगा, ओके लिखा वाक्य, और वाक्य कुछ नहीं है, तो इन एफिर्मेशन लिख देंगे। आगे वाक्य होता तो एंड सेड दैट लगाकर वाक्यों को क्या कर देते, हम जोड़ देते।
आगे चले हैं। अब सोहन कह रहा है आर यू गोइंग टू मार्केट, सोहन किससे पूछ रहा है, नीचे लिखा हुआ है मोहन से, सोहन किससे पूछ रहा है मोहन से, सोहन किससे पूछ रहा है मोहन से, यानी एक जो नाम हो गया सोहन, दूसरा नाम हो गया मोहन, एक सब्जेक्ट हो गया एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रश्नवाचक है क्या, देखो प्रश्नवाचक है ना, तो वही बात वहाँ फॉरवर्ड लगाया था क्या, यहाँ पर भी फॉरवर्ड लगाए नहीं, प्रश्नवाचक का क्या नियम है, सेट टू के स्थान पर क्या लगा देना है आस्क, क्या लगा देना है आस्क। तो जब वाक्य बनाएंगे तो ये कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे सोहन आस्क्ड किससे कर रहा है मोहन, सोहन आस्क्ड मोहन लिख दिया ना, वो ये देखो वहां फॉर बैठ रहे यहाँ आस्क्ड आया है, कारण क्या है प्रश्नवाचक वाक्य हो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है आस्क का प्रयोग करेंगे सेट टू के स्थान पर, और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है वाक्य इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड मॉडल कैन कुड शैल शुड या डू डज डिड से शुरू हो, वहाँ पर इफ का प्रयोग करते हैं कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर, या कोमा इन्वर्टेड कोमा हो या ना हो अपने को इफ लगाना है, नियम वही रखना है पहले वाला आ गया। फिर आर तो बाद में पहले कौन आ रहा है, देखो यू कौन आ रहा है, यू, यू पर्सन कौन सा है सेकंड पर्सन, यू कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन, जो कि कौन से स्थान से बदलना है दूसरे, तो इसमें नहीं देखोगे, इसमें देखो पहला स्थान सोहन का, दूसरा स्थान किसका होगा मोहन का, यानी ये इसमें सब्जेक्ट है, ये इसमें क्या है ऑब्जेक्ट है, यू को ऑब्जेक्ट से बदलना है यानी किससे बदलना है मोहन से बदलना है, जब यू को मोहन से बदलेंगे तो क्या करेंगे, यू योर और यू, मोहन से बदलेंगे तो मोहन आ गया ही हिज हिम, यू के सामने कौन आ गया ही आ गया, बस ध्यान रखना है यू अब यहाँ से बदलना है तो यहाँ पर क्या आ गया ही आ गया, आ रहा है क्या इज आर एम किसमें नियम है वाज वर में, ही वाज, इज आर एम किसमें बदलना है वाज में, फिर क्या लिखा है गोइंग टू, फिर क्या लिखा है मार्केट, गोइंग टू मार्केट, तो सोहन आस्क्ड मोहन आ गया, हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक शुरू हो रहा है तो इफ लगा दिया, यू को मोहन को देखकर बदल दिया ही आ गया, टेबल लिखी बदला पहले बता दिया, आगे इज आर एम है किसमें बदलता है वाज वर्ब में, गोइंग का गोइंग, टू का टू और मार्केट का मार्केट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, आसानी से अब समझ में आ गया होगा। नीचे वाला वाक्य जवाब देने का है जो फुल स्टॉप से खत्म हो रहा है, देखो तो मोहन रिप्लाई, अब इसने जवाब दिया नहीं नो मैं तो लाइब्रेरी जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी, मार्केट नहीं जा रहा हूँ मैं तो, कहाँ जा रहा हूँ लाइब्रेरी जा रहा हूँ, तो नहीं के लिए रिप्लाइड इन नेगेशन लिख देंगे, नहीं के लिए एन ई जी ए टी आई ओ एन, एन ई जी ए टी आई ओ एन नेगेशन लिखना है, रिप्लाइड इन नेगेशन ठीक है, यस के लिए इन पॉजिटिव या एफ्रीमेशन, ओके के लिए इन एफ्रीमेशन, और नहीं के लिए रिप्लाइड इन नेगेटिव या नेगेशन लिख देंगे एन ई जी ए टी आई ओ एन। अब जो पीछे इसके वाक्य नहीं होता तो ये अपना आंसर था, लेकिन इसमें पीछे वाक्य है आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी, पीछे अगर वाक्य है तो आगे हम वाक्य जोड़ने के लिए लिख देंगे एंड सेड दैट, क्या लिख देंगे एंड सेड दैट, क्या लिख देंगे एंड सेड दैट, फिर बोल रहा हूँ पीछे वाक्य है जोड़ने के लिए तो एंड सेड दैट लगाकर वाक्य बढ़ाएंगे एंड सेड दैट, फिर क्या आ रहा है आई, आई बदलेंगे मोहन से, तो जैसे हमने यू को बदला था यहाँ वैसे ही आई को बदलना है, आई माई मी पहले स्थान से, आई पहले स्थान मोहन हो गया, दूसरा किसका हो गया आप सोहन का, नाम लिखा हुआ नहीं हो, पहला मोहन सब्जेक्ट हो गया दूसरा ऑब्जेक्ट मोहन सोहन हो गया, तो ही हिज और क्या आ गया एम आ गया, आई के सामने कौन आ गया ही आ गया, यहाँ आई था देखो आई के सामने कौन आ गया ही आ गया, कौन आ गया ही आ गया, आई था, नो के लिए रिप्लाइड इन नेगेशन एंड सेड दैट बना दिया, याद के लिए नियम वाक्य ये आपको याद करना पड़ेगा, अगर वाक्य आगे है तो सेड दैट तक याद रखना है, यहाँ आ गया ही, फिर आ रहा है एम, इज आर एम किसमें बदल दिया वाज में, ही वाज, गोइंग टू गोइंग टू आ गया, कहाँ जा रहा है लाइब्रेरी तो एल आई बी आर ए आर वाई लाइब्रेरी आ गया, तो वाक्य बन गया मोहन रिप्लाइड इन नेगेशन एंड सेड दैट ही वाज गोइंग टू लाइब्रेरी। इस प्रकार हमने इस वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सावधानी से जो परिवर्तन ध्यान रखने हैं उनको देखा। धन्यवाद।